हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजेसी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजार्डस वेस के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं हजार्डस वेस के चार क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि हजार्डस वेस के चार टाइप्स के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हजार्डस वेस यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो हजार्डस वेस यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या फिर मटेरियल कि जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है आदमी के हेल्थ के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर। और खास तौर से ये जो हजार्डस वेस्ट है ये प्रोड्यूस होता है मैन्युफैक्चरर से या फिर अदर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से। जब इस वेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये हजार्डस है, तो फिर उसके बाद ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं कि इसको हम प्रॉपरली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हजार्डस वेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलिए अब जानते हैं इस हजार्डस वेस्ट के टाइप्स के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ईपीआई ने आइडेंटिफाई किए हैं 4 मेन कैटेगरीज कि जिसमें हजार्डस वेस्ट को क्लासिफाई किया गया है। हर एक कैटेगराइजेशन में उसकी डिफरेंट रिस्क आती है और उसकी डिस्पोजल मेथड आती है। तो जब भी बचा हुआ जो वेस्ट है उसको अगर हम प्रॉपरली सही तरीके से अगर ट्रीट नहीं करते हैं या फिर मैनेज नहीं करते हैं, तो वो जो वेस्ट है उसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर काफी हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये काफी नेसेसरी होता है कि हमें ये समझे कि इसका मेन क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन हर एक का क्या है। तो 4 आइडेंटिफिएबल क्लासिफिकेशंस है। तो उसमें सबसे पहला है लिस्टेड वेस्ट, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक वेस्ट, तीसरा है यूनिवर्सल वेस्ट और 4th है मिक्स्ड वेस्ट। तो इस प्रकार इस हजार्डस वेस्ट के यहाँ पर चार क्लासिफिकेशन आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहला है लिस्टेड वेस्ट। तो जो भी वेस्ट है वो अगर लिस्टेड वेस्ट में आता है तो इसमें भी लिस्टेड वेस्ट के यहाँ पर 4 सब टाइप्स है। तो इनमें से ये सभी वेस्ट है तो ये जो है ये आते हैं एफ लिस्ट टाइप में, के लिस्ट टाइप में, पी लिस्ट टाइप में या फिर यू लिस्ट टाइप में। तो एफ लिस्ट जो वेस्ट है उसमें आता है कि जो भी नॉन स्पेसिफिक सोर्सेस है उससे निकलने वाली जो भी वेस्ट है वो इसमें आते हैं। फिर उसके बाद है के लिस्ट वेस्ट। तो इसमें आता है कि जो भी स्पेसिफिक सोर्सेस है उससे निकलने वाले जो भी वेस्ट है वो इसमें आते हैं। फिर उसके बाद है पी लिस्ट वेस्ट। तो इसमें आता है कि जो भी एक्यूट हजार्डस वेस्ट है वो इसमें आता है। फिर उसके बाद है यू लिस्ट वेस्ट। तो इसमें क्या है कि जो भी मिसलेनियस हजार्डस वेस्ट है वो इसमें आते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक वेस्ट। तो इसमें भी चार कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो सबसे पहला है इग्निटेबिलिटी। तो इसमें आता है कि जो भी वेस्ट है वो अगर फ्लेमेबल है या फिर उसकी वजह से फायर अगर क्रिएट होती है तो इसमें आता है। एग्जांपल है कि लिक्विड अगर उसका फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम है तो वो इसमें आता है, या फिर नॉन लिक्विड लेकिन उसमें पोटेंशियल है इग्नाइट होने की वो भी स्पेसिफिक कंडीशंस में या फिर कॉम्प्रेस गैसेस में। फिर उसके बाद है कोरोजिविटी। तो इसमें भी कोई भी वेस्ट आता है, खास तौर से एसिड्स हो या फिर बेसेस हो, जो रस्ट हो सकता है या फिर डिकम्पोज हो सकता है या फिर उसमें जो है एबिलिटी होती है मेल्ट होने की वो भी स्टील मटेरियल के थ्रू। एग्जाम्पल है एक्वियस वेस्ट, उसके साथ में उसकी जो एसिडिटी जो लेवल है वो इक्वल टू या फिर लेस देन होती है 2 pH या फिर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होती है 12.5 pH। फिर उसके बाद 3rd कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्टिविटी। तो इसमें भी कोई भी वेस्ट आता है जो एक्सप्लोजिव हो या फिर अनस्टेबल है वो भी नॉर्मल कंडीशंस में। एग्जांपल है कि कोई भी जो वेस्ट है वो कैपेबल है एक्सप्लोजन होने के लिए या फिर डिटोनेशंस के लिए जो प्रोड्यूस कर सके टॉक्सिक गैसेस को। फिर उसके बाद 4th कैरेक्टरिस्टिक है वो है टॉक्सिसिटी, कि जो फर्टली पॉइजनस हो जब भी उसको इंजेस्टेड करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल्स है लिथियम सल्फर बैटरीज या फिर अदर मटेरियल्स कि जिसकी वजह से अगर कोई भी पर्सन उसको अगर निगल जाता है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार ये चार कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई किया गया है। फिर उसके बाद 3rd है यूनिवर्सल वेस्ट। तो इस टाइप के वेस्ट में खास तौर से इंक्लूड होता है जैसे कि बल्ब्स हो, मर्क्यूरी कंटेनिंग जो भी इक्विपमेंट है, पेस्टिसाइड्स है या फिर बैटरीज है। और ये जो वेस्ट है ये ज्यादातर कॉमनली प्रोड्यूस होता है और इसको ज्यादा टाइम जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है एज अ डेंजरस गुड करके। तो इस वेस्ट में भी 9 क्लासिफिकेशन आते हैं। तो इसमें क्लास 1 है एक्सप्लोजिव, क्लास 2 है गैसेस,
क्लास 3 है फ्लेमेबल लिक्विड्स, क्लास 4 है फ्लेमेबल सॉलिड्स और सब्सटेंसेस, क्लास 5 है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स, क्लास 6 है टॉक्सिक एंड इन्फेक्शन सब्सटेंसेस, क्लास 7 है रेडियो एक्टिव, क्लास 8 है कोरोसिव सब्सटेंसेस और क्लास 9 है मिसेलेनियस डेंजरस सब्सटेंसेस एंड आर्टिकल्स। चलिए अब जानते हैं चौथे हजार्डस वेस्ट के बारे में, जो है मिक्स वेस्ट। तो लास्ट में ये जो मिक्स वेस्ट है, इसमें ऐसे वेस्ट आते हैं कि इसमें हजार्डस और रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स ये दोनों आते हैं, क्योंकि ये जो है ये मिक्स वेस्ट है तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं हजार्डस और रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो इसका जो ट्रीटमेंट है और डिस्पोजल्स है वो वैरी होता है। तो वो हो सकता है लो लेवल मिक्स वेस्ट, या फिर हाई लेवल मिक्स वेस्ट, या फिर मिक्स ट्रांसुरानिक वेस्ट। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरीके का वेस्ट अगर प्रोड्यूस होता है जो हजार्डस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको आप प्रॉपरली किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हो, उसकी डिस्पोजल मेथड्स क्या है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा हजार्डस वेस्ट के 4 टाइप्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।